Hey guys, welcome back to the channel, वापस अगला दिन। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और अभी मैं बना रहा हूँ खाना, क्योंकि खाना खाने के बाद जाना है हम लोग को लाइब्रेरी। तो बना रहा हूँ सब्जी में भिंडी और आलू का भुजिया, और ये दाल। ये कलर इसका इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये रहड़ दाल है, थोड़ा सा इसका कलर डार्क दिखता है। सब्जी लगभग बन गया है और दाल बन चुका है। अब बनाऊंगा चावल और उसके बाद मेरा हो जाएगा काम खत्म, क्योंकि आज मेरा बनाने का पारी है। यशवंत और विवेक का कल पारी था, आज मेरा पारी है। ऐसे ऐसे टर्न आता है सबका, तो आज मेरा टर्न है। और मेरा टर्न आया है और मैं खाना वाना बना ही लिया हूँ लगभग। खाना बचा है, बस बनाना, चावल बनाना बचा है। और उसके बाद मैं नहाऊंगा धोऊंगा, उसके बाद चलूंगा, फिर हम लोग चलेंगे सब लाइब्रेरी। यशवंत है और अभी तैयार वार नहीं हुआ है लाइब्रेरी जाने के लिए, मैं भी तैयार नहीं हूँ। वैसे हम लोग निकलते हैं 11 बजे और अभी बज कितना रहा है? बज रहा है 10:32, काफी लेट हो चुका है। नहा धोवा के जाएंगे अभी लाइब्रेरी, और विवेक गए हैं अभी नहाने के लिए, और हम दोनों भी बचे हुए हैं। मतलब थोड़ा सा लेट हो जाएगा, आधा घंटा, कोई बात नहीं, आधा घंटा। 11 बजे जाते हैं लगभग हम लोग, 11 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। 11 बजे नहीं पहुंचते तो 11:30 बजे पहुंच जाते हैं। 12 बजे तक हम लोग फाइनली लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं, और उसके बाद आते हैं 9 बजे डायरेक्ट। हम लोग यहाँ से खाना खा के जाते हैं, उसके बाद आके फिर बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के जो भी रिविजन करना रहता है करते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं लाइब्रेरी। ऐसे ही चल रहा है हम लोग का दिन, और मजे में चल रहा है, और क्या, मस्त। तो गाइज, आपको मैं अपना रूम दिखाता हूँ। तो गाइज, ये दूसरा रूम है जो कि जिसमें 2 बेड लगा हुआ है और बीच में एक टेबल लगा हुआ है। ये अगर देखे इस साइड से, लेफ्ट साइड वाला बेड विवेक का है और राइट साइड का बेड मेरा है। और इधर खिड़की है, मस्त हवा आता है इधर से, और कुछ व्यू ऐसा है खिड़की के सामने, ऐसा दिखता है। सामने एक बिल्डिंग है और काफी अच्छा है। और इधर एक छोटा सा किचन है, तो किचन दिया हुआ है, और यहाँ पर खिड़की है। और फिर इधर एक ये बाथरूम है, और ये एक रूम है, इधर ऐसा का बेड है, और ये बेड खाली पड़ा है। तो गाइस, दामो बर्ड पाला है जिसको हम लोग को देके जा रहा है, क्योंकि वो अभी घर जा रहा है ना, इस वजह से दामो हमें देके जा रहा है। दामो अभी इंसान तो काला दिख रहा है, कोई नहीं कोई नहीं भाई, दिल बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना। ये अभी सो के उठा होगा, इसलिए ऐसा दिख रहा है। मस्त दिख रहा है, पता नहीं क्या नाम इसको, कॉकटेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं पता। कॉकटेल नहीं ब्रो, दिस इज चिड़िया। कौन सा चिड़िया पता नहीं। ये इसका दाना है इसमें, और इसमें पानी है, और इसको दाना पानी दे के जा रहे हैं अभी हम लोग लाइब्रेरी। काफी सुंदर है, देखिए पानी पिया है अभी, जस्ट पानी पिया है। ऐसा पानी ला के दिया अभी इसको, अरे अरे ऐसा जस्ट पानी ला के दिया अभी पिया। चलते हैं लाइब्रेरी के लिए, लेट हो गया। एक अभी जूता पहन रहे हैं फटाफट, मैं पहन लिया अपना जूता, और बहुत फास्ट पहन रहे हैं स्लो, क्योंकि हमें लेट भी हो चुका है, काफी लेट हो गए हम लोग। गाड़ी को जाइए, निकालते रहिए। चलो अब थोड़ा लेट हो गया, और यशवंत अभी रूम लॉक कर रहे हैं, रूम लॉक करके नीचे आना है। पार्किंग में है बाइक, बाइक निकालेंगे और फिर चलेंगे। ऐसा है, ये हमारा पार्किंग एरिया है, ये रहा, और वहाँ पर बाइक खड़ा है अपना। तो गाइस, अपना बिल्डिंग कुछ ऐसा दिखता है, पुराना बिल्डिंग है काफी, और अपना यहाँ निकल रहा है गाड़ी, उड़न खटोला। चलो बोलो, चलो यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग यहाँ बाइक में, दिनों की दिनों। सामने का कुछ ऐसा व्यू है, ये हमारा गली यहाँ से स्टार्ट होता है, गली में ही ऐसा हादसा होने वाला है। ये आज का मौसम बहुत जबरदस्त लग रहा है, मौसम आईफोन दिखाई चलवाना है, घूमने का जाने का मन बहुत कर रहा है। ये जो ब्लॉग बन रहा है ये आईफोन में बन रहा है, आईफोन 13 में, और कमेंट करके बताइएगा कैसा क्वालिटी है आईफोन 13 का। अगर आपको पसंद आएगा तो हम बहुत बनाएंगे, डेली बनाएंगे, और भी बनाएंगे, पसंद आएगा तो। ये मत समझिएगा कि ये ब्लॉगिंग मैं केवल कर रहा हूँ, ये ब्लॉगिंग तीनों के तीनों करते हैं, तीनों का इसमें मतलब योगदान रहता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे ताकि आप लोगों को मजा आएगा देखने में, बोर नहीं हो गया आप लोग। तो
गाइस मौसम भले ही सुहाना है पर धूल वूल गंदा होता है तो बुरी रहा है, आँख में आके घुसता है। बाइक चलाते वक्त चश्मा का बहुत ही जरूरत पड़ता है क्योंकि गाइस ये सिटी से थोड़ा आउटर एरिया है इसलिए इधर धूल है। आप मेन सिटी में जाइए वहाँ धूल नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए ऐसे ऐसे लोग चलाते हैं, चलना पड़ता है सब। इस तरह से हम लोग गुरु नानक चौक पहुंचते हैं और ये गुरु नानक चौक है, इस तरफ का रास्ता गुरुड़ी की ओर जाता है और इस तरफ का रास्ता जाता है लेवरेज की ओर, मेन सिटी मतलब मेन सिटी चांदी चौक की ओर। ये रास्ता मैं जिंदगी में नहीं आऊंगा। रानी बना दिया, रानी बना दिया। तो गाइस ये कार काफी सुंदर दिख रहा है, काफी कलर इसमें जबरदस्त है। गाड़ी का नंबर देखो, बॉल केबी नंबर अंदर गाइस कार, वाओ बोलेंगे ना यार नाइस कार, अंदर में आई लव यू लिखा हुआ है। अरे फॉर्च्यूनर। तो गाइस ये अपना लाइब्रेरी है, इधर सेंटर होते हैं, ये पीछे साइड से आए हाथ। पार्किंग एरिया गाइस अभी सहस्त्र लाइब्रेरी से अभी जा रहे हैं डीबी विप्रा कॉलेज, वहाँ पर कुछ काम है हम लोग को, वहाँ से आते हैं उसके बाद फिर पढ़ाई वढ़ाई करेंगे हम। तो गाइस काफी धूल उड़ रहा है क्योंकि बारिश बंद हो गया है, बारिश बंद होने के बाद थोड़ा मौसम साफ कर दिया है, इसकी वजह से जो है ना धूल काफी उड़ रहा है। इसमें बिना चश्मा का चलना बहुत मुश्किल हो रहा है बाइक में। पूरा कॉलेज आ चुके हैं अभी हम लोग और कुछ ऐसा है, चलो पार्किंग एरिया पहले बाइक पार्क करते हैं। तो गाइस ये डीपी विप्रा का बिल्डिंग बैडमिंटन कोर्ट है यहाँ पर, गाइस अभी आए थे एलोरा बुक डिपो कॉपी और पेन खरीदने के लिए और कुछ कुछ सॉल पेपर लेके जा रहे हैं और अभी जा रहे हैं लाइब्रेरी की तरफ। गाइस अपना गाड़ी यहाँ पर खड़ा है और अभी जा रहे हैं हम लोग घर और बज रहा है अभी 9:06 हो रहा है और यहाँ लाइब्रेरी से अभी निकल रहे हैं हम लोग घर के लिए।
सो गाइस अभी लाइब्रेरी से जा रहे हैं रूम, और लाइब्रेरी से निकलने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा राहत मिलता है। बैठे 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 ना थोड़ा ज़्यादा ही मज़ा नहीं आता, बॉडी बॉडी एकदम बॉडी जो है ना बिल्कुल जाम हो गया टाइप का लगता है। अभी फ्री लग रहा है। और ये है गली गाइस पंजाबी कॉलोनी का, जहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे मेन रोड में, और उसके बाद जाएंगे रूम। जिम में पूछे यार 800 कम कर दिए। गाइस अभी मेन रोड में निकल, वो भी मैं आ जाएगा, मैं ना कार्डियो के लिए ना। सो गाइस पास से एक्स्ट्रा ले रहे थे, पता है लोग गया था, कहां पूछने गए थे, क्या पूछने गए थे, लोग गया था जिम, विवेक को जिम जाना है, थोड़ा सा वेट कम करना है, तो जिम के लिए गया था पूछने के लिए। कितना रुपए बोला? बहुत 800 भी जाना है भाई, 1000 बोल रहा था, पर फिर विवेक उसमें से कुछ कम कराया, 800 रुपए बोला। काफी अच्छा होगा जिम, अपना गया नहीं हो, देखा नहीं हो, पर दूर से देखने से अच्छा दिखता है। मंडे से जाना है ना जिम, मंडे से जाएगा तो काफी अच्छा रहेगा इसके लिए, क्योंकि इसका वेट जो है ज्यादा बढ़ गया है, थोड़ा बड़ा है, ज्यादा नहीं बड़ा है, हेल्दी है बंदा, थोड़ा मेहनत करेगा तो अच्छा रहेगा। तीन जन का बात करो, गुरु जवान हो गए फिर तो। चलो तीनों, अब ये जो फेस में जो फैट एकदम कम दिख रहा ना, अब जिम जाने के बाद ज्यादा दिखेगा, क्योंकि प्रोटीन पाउडर भी खाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। चलो बढ़िया। और गाइस लाइब्रेरी में कौन एसी का टेम्परेचर जो है ना काफी लो कर दिया था, 24 डिग्री में एकदम था, बढ़ा दिया था -24, तो काफी ठंडा लग रहा था, जिसके वजह से ना थोड़ी देर तक पढ़ नहीं पा, कौन बढ़ाया था उसने, कौन बढ़ाया था, भैया भी नहीं थे जिससे हम कम कर पाए, और पता नहीं कौन गर्मी वाला आदमी था ना, पता नहीं किसका ज्यादा ही चर्बी हो गया था सारा। और थोड़ी देर बाद पंखा भी चलता है, एसी भी चलता है ना, तो जिसकी वजह से ज्यादा ठंडा लगता है, और तो पंखा को स्लो कर लिए। बस तो हो गया, हो गया ठीक, कितना हो गया? सो गाइस भारी भरकम शॉपिंग कर पाए भारी भरकम शॉपिंग कर पाए हैं विवेक को, कार्टून किशन पकड़ रहा है अभी। सो गाइस फाइनली रूम पहुंच गए हैं, और विवेक अभी बाइक को अंदर कर रहा है। ये अपना पार्किंग एरिया, गाड़ी पार्क कर के आना रे, चाबी तेरे पास। ओए चूचू का क्या हाल चाल है? चूचू चूचू जिंदा है? भरना पड़ जाएगा पैसा, चूचू थोड़ा कर लेगा चारा चारा पानी। चूचू 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 सुबह सुबह स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस अपने चूचू के पास हम लोग आ चुके हैं, इस चूचू कुछ बोल नहीं रही, एकदम शांत है, इसको ठंडा लग रहा है क्या चूचू को? भाई 83 रुपए लिख रहा है एक। तो गाइस विवेक को मैं शॉपिंग करवाया हूँ, ये पेप्सोडेंट का कोलगेट और 1 लीटर तेल, और ये 3 किलो रहर का दाल, और विवेक का चेहरे में आप खुशी देख सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अब कल, अब रूम आए हैं, अब खाना वाना बनाया जाए, खाया जाए, और फिर सोया जाए, और फिर कल मिलते हैं आपसे। बाय।